रिव्यूज सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क का, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 3 साल की मासूम से गैंगरेप, शादीशुदा युवक ने दिया वारदात को अंजाम। देश की राजधानी दिल्ली में 3 साल की मासूम हैवानियत का शिकार हो गई है। 2 लोग मिलकर उसका गैंगरेप किया। मासूम घर से लापता थी। बेटी की तलाश में माँ जब जंगल की ओर गई, तब उसे उसकी बेटी लहूलुहान हालत में मिली। इसके बाद महिला अपने पति के साथ थाने पहुंची और केस दर्ज कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि दोनों आरोपी शादीशुदा है। मासूम को दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र की है। यहाँ की रहने वाली महिला अपने बेटी के साथ हुए गैंगरेप की शिकायत लेकर पुलिस थाना पहुंच गई। महिला ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार सुबह से उसकी 3 साल की बेटी लापता थी। बहुत ढूंढने पर भी बेटी को का कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाली महिला ने बताया कि बेटी को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। साथ ही उसने यह भी कहा कि 2 युवकों को भी जंगल में देखा था। महिला के मुताबिक जब वह जंगल पहुंची तो देखा कि उसकी बेटी लहूलुहान हालत में थी। इसके बाद महिला ने घटना की जानकारी अपने पति को दी और बच्ची को साथ लेकर थाने पहुंची। गैंगरेप की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने मासूम का एम्स मेडिकल करवाया और अब उसका वहीं पे इलाज जारी है। आज बर्थडे के मौके पर जानिए अभिषेक दिलचस्प पहलू। आज अभिषेक बच्चन का बर्थडे है। 9 साल की उम्र में डिस्लेक्सिया जैसे बीमारी से जूझे सुपरस्टार का बेटा होने के बाद भी उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। जब अमिताभ बच्चन कर्ज में डूबे थे, अभिषेक को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। अपनी ही कंपनी में स्पॉट बॉय जैसे काम किए, खुद के एक्टिंग डेब्यू के लिए प्रोड्यूसर के चक्कर भी लगाए, LIC के एजेंट का काम भी किया। करिश्मा कपूर से सगाई टूटी, करियर में भारी उतार चढ़ाव देखे। उनका करियर एवरेज ही रहा था। गुरु, युवा जैसे फिल्म में उनकी एक्टिंग को सहारना भी मिली। 2020 से अभिषेक ने OTT का रुख किया और खुद को ना सिर्फ एक्टिंग में साबित किया बल्कि पिछले साल OTT पर रिलीज हुई 10वीं के लिए अवार्ड भी जीता। अभिषेक ने आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उस समय वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। ये बात 1919 की है। उस समय अमिताभ बच्चन के बिजनेस अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजर कंपनी फेलियर की वजह से उन्हें कर्ज में डूब गया। इस बात का खुलासा अभिषेक ने खुद ही एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि मैं पापा की कंपनी में स्पॉट बॉय के तौर पर काम करता था। वहां मेरा काम चाय बांटने का था। फिर उन्होंने बताया कि एक बार अपने पापा ने उन्हें बुलाया और कहा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मेरी कंपनी नहीं चल रही है, मेरी फिल्में नहीं चल रही है, अब हम दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद से उन्होंने कभी भी किसी चीज से इनकार नहीं किया और खूब मन लगाकर काम किया। विश्व की सबसे व्यस्त अदालतों में शुमार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नई दिल्ली सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेमन ने शनिवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 73 वर्षगांठ के समूह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने इस मौके पर बदलती दुनिया में न्यायपालिका भूमिका पर एक व्याख्यान दिया। कहा कि यह केस लोड के कारण दुनिया की सबसे व्यस्त अदालत है। व्याख्यान देते हुए मुख्य न्यायाधीश मेमन ने कहा कि हमें सहजता से न्याय देने के लिए आधुनिकीकरण करना चाहिए क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। उन्होंने कहा कि जब न्यायपालिका अच्छा तरह से काम करती है तो सभी को एकजुट करने में गोंद का काम करती है। न्यायमूर्ति मेमन ने उस विभिन्न चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला जिसका दुनिया भर की न्याय प्रणाली सामना कर रही है या भविष्य में सामना करेगी। भारत, फ्रांस, UAE के त्रिपक्षीय रूपरेखा के लिए पेश किए रोड मैप कई परियोजनाओं पर एक साथ मिलकर काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि न्यायाधीश को सार्वजनिक संचार का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक संचार के लिखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी एप्स डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज।